नमोबुद्धा साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आज हम करेंगे बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ, उनसे विचार लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य नागार्जुन को बौद्ध धर्म का विभाजक माना जाता है, कि उनकी वजह से बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। क्या यह सही है? इस पर जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं बौद्धाचार्य जी से। स्वागत है बौद्धाचार्य जी सम्यक इंडिया टीवी में आपका, कृपया अपने विचार रखें। आज आचार्य नागार्जुन जी के संबंध में जो सवाल पूछा गया कि बौद्ध धर्म के विभाजन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वास्तव में देखा जाए तो बौद्ध धर्म का जो विकास क्रम है उसमें समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन हमें नज़र आते हैं। एक परिवर्तन नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन के समय में भी हुआ। वो ये हुआ कि शून्यवाद के नाम से एक नई अवधारणा का बहुत तेजी से प्रचार हुआ। यद्यपि शून्यवाद पर भगवान बुद्ध के स्वयं भी त्रिपिटक में उपदेश मिलते हैं, मगर क्योंकि नागार्जुन महायानी माने जाते हैं इसलिए लोगों को ये भ्रांति है कि महायान में जो सिद्धांत हैं वो त्रिपिटक में नहीं है या बुद्ध की देशनाओं में नहीं है। ये जो शून्यवाद बुद्ध की शिक्षाओं से ही है, मगर आचार्य नागार्जुन ने इसे बहुत बड़ा विस्तार दिया और अपने इस दर्शन के कारण वो न केवल भारतवर्ष में, नेपाल में, तिब्बत में, चीन में, अपना बर्मा में, श्रीलंका में बहुत अधिक सम्मान के साथ याद किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उन पर अध्ययन किया जाता है। बौद्ध धर्म का विभाजन नागार्जुन ने किया, मैं इस बात से सहमति नहीं रखता, क्योंकि हर युग में युग की आवश्यकताओं के हिसाब से दर्शन में परिवर्तन होते रहे हैं। हम भी जिस बौद्ध धर्म को मानते हैं उसमें हमारी ये दृढ़ आस्था है कि त्रिपिटक में बहुत सारा कुछ थोपा हुआ है और हमने जो तर्क पर नहीं खड़ा उतरता, जो बुद्धि पर खड़ा नहीं उतरता, जो वैज्ञानिक विचारधारा के अनुकूल नहीं है, उन चीज़ों को हम भी त्यागते हैं। तो ये जो एक परंपरा है कि अपने धर्म को शुद्ध करके चलना, अपने धर्म में से जो मिलावट हुई है उसको निकाल के चलना, ये हर युग की एक प्राथमिकता रही है। नागार्जुन के समय में भी आप देखेंगे कि नागार्जुन ना केवल दार्शनिक थे अपितु बहुत बड़े वैद्य भी थे। उनकी सिरपुर, जो आपका छत्तीसगढ़ में रायपुर के नज़दीक एक सिरपुर तीर्थ स्थल है, पुराने खंडर वहाँ पर हैं, तो उसको भी माना जाता है कि आचार्य नागार्जुन की कर्म स्थली थी। ये जितना भी आपका आंध्रा से लेकर छोटा नागपुर यानी कि बिहार तक की जितनी भूमि थी, ये नागार्जुन के प्रभाव की भूमि मानी जाती है। तो वो जो सिरपुर में आप जाएंगे तो वहाँ का म्यूजियम, जो एक अधकचरा म्यूजियम है, वहाँ देखेंगे वह जैसे मसाला पीसने के सिलबट्टे नहीं होते, वो बहुत सारे निकले हैं एक जगह से, वहीं सिरपुर के एक बुद्ध विहार के नज़दीक से सैकड़ों सिलबट्टे निकले हैं। वो सिलबट्टे काय के लिए हैं? लोगों का ये मानना है कि ये उनकी रसायनशाला थी आचार्य नागार्जुन की, और यहाँ पर औषधियों को पीसने का काम बहुत बड़े स्तर पर होता था, दवाई बनाने का काम बहुत बड़े स्तर पर होता था। नागार्जुन ने आयुर्वेद में जो भस्मी विधान है, दवाई को भस्म के रूप में, राख के रूप में इस्तेमाल करने का जो विधान है, वो नागार्जुन जी का ही आविष्कार है। इतना ही नहीं, फाइयान जो एक बौद्ध चीनी बौद्ध यात्री थे, जब वो यहाँ दक्षिण भारत में जाते हैं तो वो बताते हैं कि नागार्जुन ने सोना बनाने का भी एक फार्मूला तैयार किया था, मगर वो सोना बनाने का जो फार्मूला था वो फार्मूला तो नहीं दिया, मगर उस घटना के बारे में लिखा है। और आज का ये जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, ये उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ पर नागार्जुन ने एक पहाड़ी के बहुत बड़े हिस्से को सोने में बदल दिया था। तो ये चीनी यात्री, चीनी बौद्ध यात्री फाइयान के यात्रा विवरण से हमें पता होता है कि नागार्जुन बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। हाँ, इतना जरूर है कि वो भारतवर्ष के ही थे। उनके साथ जो नाग आपने देखा है ना, उनके चित्रों के साथ नाग बनाते हैं आप, तिब्बती थांका, थांका कहते हैं एक वो बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स ऑफ टिबेट,
तिब्बत की जो ठांका पेंटिंग है उनको आप देखेंगे तो नागार्जुन के सिर पर सांप दिखाए गए हैं और कई तो बहुत सारे फनों वाले सांप दिखाए गए हैं। तो सांप का मतलब ये है कि जो नाग जाति थी, जो इस देश के मूल निवासी थे, उन्हों का उनको संरक्षण प्राप्त था। जिस प्रकार से व्यक्ति की छाया छतरी करती है ना, छतरी धूप से रक्षा करती है, बारिश से रक्षा करती है, ऐसे सांप को सिर के ऊपर दिखाने का मतलब ये है कि वो उनको संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण में रक्षण छिपा है ना। तो ये जो नागार्जुन थे भारतवर्ष के थे, गौरवशाली थे, अपने समय की मान्यताओं के हिसाब से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और आज जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखे, सिंह और लेख उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। मगर अफसोस की बात यह है आज वो सारे के सारे ग्रंथ तो भारतवर्ष से लुप्त प्राय हैं। सुरहत लेख भी आया है तो वो भी चीन से आया है, चीन से उसका अनुवाद करके यहाँ लाया गया है। उनकी किताबों का अनुवाद चीनी भाषा में, तिब्बती भाषा में अगर किसी ने किया तो वो आचार्य कुमार जीव ने किया, जो दुनिया के पहले ट्रांसलेटर हैं। ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है, बच्चों को याद होना चाहिए कि आचार्य कुमार जीव दुनिया के पहले ट्रांसलेटर हैं जो रिकॉर्ड पर है। ट्रांसलेशन का जो कोर्स करते हैं उनको यहाँ से उनकी पढ़ाई आरंभ की जाती है। तो आज हम देखते हैं कि उन्होंने आचार्य नागार्जुन के सभी ग्रंथों का अनुवाद किया और चीनी भाषा में किया, तिब्बती भाषा में किया। ये एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, धर्म डॉक्टर धर्म कीर्ति जी की लिखी हुई, जिसमें आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। तो आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नागार्जुन ने अपने युग में अपने तरीके से बौद्ध धर्म की पताका को ऊंचा करके फैलाया, मगर उसे बौद्ध धर्म का विभाजक हम नहीं मान सकते। कारण यह है कि जो संस्कृत का हाइब्रिड संस्कृत का साहित्य उन्होंने लिखा, उसके आविष्कारक वो नहीं है। वो बौद्ध साहित्य को संस्कृत में लिखने का प्रारंभ आचार्य अश्वघोष ने किया था, जो कनिष्का के समय में हुए थे और उनके बहुत बड़े परामर्शदाता भी थे, और जो संगीति कश्मीर में कुंडल वन में हुई थी वो उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, ऐसा बताया जाता है। ये पहली शताब्दी के आसपास की बात है। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध किताब है बुद्ध चरित्र, उस बुद्ध चरित्र का जो संस्कृत का पहला ग्रंथ है महायानी ग्रंथ, उसमें पहला लाइन की पहला अक्षर ही हमारी दृष्टि में आपत्तिजनक है। उसमें बुद्ध के पुरखे का नाम इक्ष्वाकु वो लिखते हैं, जिसका हकीकत से कोई मतलब नहीं है। बुद्ध की पूरी वंशावली में कोई इक्ष्वाकु नहीं है, एक ओकाक है उसको ये इक्ष्वाकु कहते हैं, जबकि आदि पुरुष इक्ष्वाकु राम के नहीं है, आदि पुरुष ओकाक भगवान बुद्ध के नहीं है, सिद्धार्थ के नहीं है। राम के आदि पुरुष तो ब्रह्मा है और हमारे सिद्धार्थ के आदि पुरुष राजा महासम्मत हैं। तो ये सारी विसंगतियां समय के साथ साथ चलती हैं, मगर ये जो साहित्य है इनका आचार्य नागार्जुन जी का, वो बेशक संस्कृत भाषा में है मगर भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं है। अगर ये बौद्ध धर्म विध्वंसक होते तो इस देश में बौद्ध धर्म के पीछे जो डड्डा लेकर पड़े हुए थे ना, वो कम से कम इनके इतिहास को तो बकसते, उनका भी इतिहास समाप्त कर दिया, उनका भी साहित्य सारा का सारा विलुप्त कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, जला दिया गया। और हम ऋणी हैं आज उन चीनी बौद्ध यात्रियों के, जिन्होंने भारतवर्ष में आकर यहाँ के ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद किया। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, राहुल सांकृत्यन जी का ये मानना है कि हमारे आचार्य नागार्जुन के जितने भी ग्रंथ हैं सब चीन में सुरक्षित हैं, उनकी भाषा में सुरक्षित हैं। जरूरत हो तो आज एक आधुनिक आचार्य कुमार जीव की, जो उनको अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद करके जनता के सामने पेश कर सके। जरूरत है अपने पराक्रम दिखाने की, जहां पराक्रम का अभाव होता है वहीं विचारधारा का पतन शुरू हो जाता है। आज की स्थिति को बहुत अच्छी नहीं है, बौद्ध धर्म में विद्वानों की बहुत कमी है, विद्वान भिक्कुओं की बहुत कमी है, मगर वो इतने हैं कि जिनसे काम चल नहीं सकता, संख्या बहुत कम है। आज हम ये संकल्प लेते हैं कि नागार्जुन की जो विरासत विलुप्त है उसको हम जग जाहिर करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमो बुद्धाय।
बहुत बहुत साधुवाद बोधाचार्य जी, आपने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से हमें समझाया, हमें बताया, अपने विचार दिए, हमारे दर्शकों को समझाया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने अमूल्य कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। जय भीम, जय भारत।